हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि शर्मा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एओआई की, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी में। बात करें पॉइंट ऑफ व्यू हमारा रहे सीबीएसई का, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर हमारे पास हर साल वैसे एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है और एक क्वेश्चन भी रहता है जो पेपर का हाइएस्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन रहे। 5 मार्क्स हो सकता है, 6 मार्क्स हो सकता है, जो भी रहेगा। लेकिन काफी बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास सिलेबस में ये लिखा हुआ है पूरी कैलकुलस जो है लगभग 45% तक की मान लो आप, तो उसमें से 30-32 मार्क्स तक की आप मान सकते हो आउट ऑफ 80 मार्क्स में से, तो उसमें से एक क्वेश्चन भी हो सकता है और दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि कुछ साल में दो क्वेश्चन भी आ गए और कुछ में एक क्वेश्चन भी रहे हैं, तो वो तो हम देख सकते हैं। अब नाम इसका एप्लीकेशन है तो भाई इंटीग्रेशन तो आपको आनी चाहिए इसको करने से पहले। अब चीज ये है कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज आती हो जो इसमें यूज हो पाए, तो मैं आपको बता दूं, एक तो आप करोगे 7.7 एक्सरसाइज जिसमें आपके पास तीन फॉर्मूले दे रखे हैं, x² - a² x² + a² और a² - x² के तीन फॉर्मूले के बेस पे एक्सरसाइज है। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो काफी हद तक आपको ये हेल्प मिल जाएगी इसमें। दूसरी बात की जाए तो आपके पास 7.2 और 7.1 ये आप कह सकते हो, तो इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा और बेसिक इंटीग्रल आ जाएगा और कोई तो उसके अंदर ज्यादा यूज होने वाली एक्सरसाइज है नहीं। तो यदि आपको देखना है या इंटीग्रल पूरी भी नहीं आती है तो ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 7.7 और 7.12 तीन एक्सरसाइज रिवाइज करके भी इस चैप्टर को कर सकते हो आप। ठीक है भाई, चलिए तो इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है तो दैट मीन्स हम इंटीग्रेशन का यूज करके हम ये देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहां कहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज तो है किसी भी कर्व के अंडर, जैसे सपोज ये मान लो हमारे पास एक कर्व है और इस कर्व के अंडर का हमको निकालना है एरिया, तो यहां से लेके जो हम सबसे पहले एक पॉइंट मान लें, ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो x एक्सिस पे हम एक पॉइंट मानने हैं दैट x इज इक्वल्स टू a, दैट्स समथिंग x इक्वल्स टू 2 मान सकते हो आप, x इज इक्वल्स टू 5 मान सकते हो, जो भी आप मान लो, और आप दूसरा पॉइंट यहां पर मान रहे हो, ये आपका हो गया x इज इक्वल्स टू b, या फिर x इज इक्वल्स टू यहां पे 2 ले रहे हो तो यहां पे 7 ले सकते हो, यहां पर यदि आप 5 ले रहे हो तो यहां पर 11 ले सकते हो। तो ये बेसिकली आप ये चाह रहे हो इस कर्व के अंडर जो ये वाली चीज है, मतलब कि एक्स एक्सिस से ऊपर तक का एरिया निकालना चाह रहे हो। वर्ड्स पे ध्यान देना, क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी समझने में। मैंने कहा है इस कर्व के अंडर और एक्स एक्सिस से ऊपर तक का एरिया निकाल सकते हो इससे बस, तो आप इसे ये लिख सकते हो कि एरिया अंडर कर्व Above the x-axis, ये वाली बात क्यों मैंने कही है, क्योंकि काफी बार ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कर्व हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया है और आपसे कहा जाए कि एरिया निकालिए, ठीक है ना, तो ये जो ये वाला एरिया रहेगा आपके पास, ठीक है, आप कहीं इंटीग्रेट कर दो उसे यहां से लेके यहां तक, तो ये नहीं कर सकते आप, तो आपको सबसे पहले यहां से लेके यहां तक निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, और जो इसमें एरिया भी आता है एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, नीचे वाला नेगेटिव में आएगा, इसलिए जब कभी भी एरिया निकालते हो तो आप मॉडुलस में निकालोगे, क्योंकि भाई एरिया है, एरिया तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, लेकिन वो एक्स एक्सिस के नीचे है इसलिए उसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो जब कभी भी आप आंसर निकालोगे तो सपोज इसका निकाला और इसका निकाला तो यहां का तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो एक तो एरिया ये वाला हो गया प्लस ये वाला आपके पास नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव आएगा तो आप क्या कर दोगे इसे मॉडुलस में लेके दोनों को ऐड कर देना। तो बेसिकली हमें क्या का समझ में आ गया इसमें कि इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन है उसमें हम सिर्फ एरिया अंडर कर्व निकालने वाले हैं और कोई भी आपके पास कर्व होगा और जहां से मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट तक का एरिया निकालना है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसका थॉट प्रोसेस क्या है भाई कि मतलब क्या प्रिंसिपल है और किस तरीके से हम एरिया निकालने वाले हैं, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है।
यही आपके पास कर था, ठीक है। अब इस कर्व में भाई देखो, ये y की वैल्यू है ऑन दिस x, ये भी इस x पर इस y की वैल्यू है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है उस फंक्शन का। तो हमें एक स्टेप माननी है, ठीक है। ये x एक्सिस है ना, तो ये छोटी सी पतली सी स्ट्रिप है, तो इसको हम मान लेंगे डी एक्स। डी एक्स बहुत छोटा रहेगा, और यहां पे हम एक जो y ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला y हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, तो यहां वाली स्ट्रिप ले रहे हो तो y ये वाला आएगा, यहां वाली स्ट्रिप ले रहे हो तो y ये वाला आएगा, तो हर तरीके से y आपका चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो y हमारे पास रहने वाला है और ये रहने वाला है x। इस स्ट्रिप को बोलते हैं हम एलिमेंट्री स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप का जो ये एरिया आ रहा है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया, ठीक है। तो इस एरिया का एरिया क्या होगा भाई, आपको ये दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल सा दिख रहा है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है आपके पास, वाई इंटू डी एक्स। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, और इस एरिया को ही भाई देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। तो छोटे छोटे सेक्शन को जब आप सम कर रहे हो, तो स्ट्रिप आपने यहां भी मानी हुई है, यहां भी स्ट्रिप है, यहां पर भी स्ट्रिप है, यहां पर भी स्ट्रिप होगी, यहां पर भी स्ट्रिप होगी, तो सारी स्ट्रिप को क्या करना है, सम करना है। और सम करने को आप क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है आपको। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, आप पॉइंट मान लीजिए, सपोज यहां से स्टार्ट कर रहे थे इंटीग्रेशन, यहां पे एक्स की वैल्यू ए थी, यहां तक आप कर रहे थे, तो यहां पे एक्स की वैल्यू बी थी। तो नीचे जो लिखा जाता है वो इनिशियल कंडीशन लिखी जाती है, और ऊपर जो लिखा जाता है वो फाइनल कंडीशन। तो आप इसे लिख भी सकते हो इनिशियल कंडीशन, जहां से ये जो स्ट्रिप है जो स्टार्ट होगी, और ये वाली जो आती है उसे हम बोलते हैं फाइनल कंडीशन। तो आपको ये लिमिट लेते वक्त आपको ये देखना है कि कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है, किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और किस पॉइंट तक वो जाने वाला है। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं हम। अच्छा एक चीज और, यदि यही वाला कर्व वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता तो वो भी समझ लेते हैं साथ साथ। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया ना, वाई डी एक्स याद नहीं करना, जब आप वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे होगे तो ये थिकनेस डी एक्स रहेगी, और जो हाइट होगी वो आपके पास, क्योंकि फंक्शन आपका ऐसे है तो हर पॉइंट पे वाई क्या होता रहा, चेंज होता रहेगा। तो ये आपका हो गया वाई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बननी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वाई इंटू डी एक्स आ गया। ये स्ट्रिप सबसे पहले कहां हो सकती थी, सबसे पहले यहां हो सकती थी, तो यहां से स्टार्ट करी, और सबसे बाद में स्ट्रिप कहां हो सकती थी, यहां पर। तो आपने इंटीग्रेट करते वक्त इस स्टेप से वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले तो वाई एक्सिस वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि फंक्शन हमारा इस टाइप से रहे तो फंक्शन ऐसा होता। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि इस स्ट्रिप हमें वर्टिकल लेनी है और एरिया अंडर कर्व आता है अबव द एक्स एक्सिस, या यहां पे होगा अबव द वाई एक्सिस। तो यहां पर आप स्ट्रिप लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां पर आप इस तरीके से ले रहे हो, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो भाई एक चीज बताइए मुझे, ये कौन सी एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। तो जो आप एक छोटा सा ये मानोगे, ये आप मानोगे डी वाई, और कितने देखो यहां पर सपोज ये वाई पॉइंट ले रहे हो, यहां जाके टकराएगा, ये आएगा एक्स, ये वाई ले रहे हो, ये कर्व आएगा, यहां पे क्या आएगा, ये एक्स। तो मतलब ये चीज है क्या, एक्स आ रहा है ना, तो इसे हम लेते हैं एक्स। तो उसका एरिया बताइए क्या होगा इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो आएगा x इंटू डी वाई, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे होगे आप देख लीजिए, यहां पे y की वैल्यू a रहेगी और यहां पे y की वैल्यू b रहेगी। तो a से लेके b तक आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो आपको याद ना करते हुए कभी भी साइड में छोटा सा ना ये डायग्राम बना देना, आप खुद देख लेना यहां पे आपने dx लिया या फिर dy लिया, ठीक है भाई। तो आइए हम चेक करते हैं, चेक कैसे कर रहे हैं हम, चेक कैसे कर रहे हैं हम, ऐसा एक कर्व ले रहे हैं जिसका हमें एरिया पता है,
सपोज हमारे पास एक लाइन दी हुई है 4x + 3y = 12, इसे हम भाई लाइन पे बनाने वाले हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गई है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस, तो बनाइए भाई इसको कैसे बना देते। एक बार लेट x = 0, एक्स का रूट 0 लो, तो ये 0 हो गया, कितना आ रहा है 3y = 12, और y इक्वल टू कितना आ रहा है 4, तो कितना आ चुका है 0, 4। फिर क्या लोगे, लेट y = 0, y 0 लोगे तो 4x = 12, और x इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 3, 0, तो मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया 3, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट है 0, 4, इन दोनों को मिलाना है आपको। तो भाई ये क्या है हमारे पास 3, और ये हमारे पास क्या है 4। यदि वैसे एरिया निकालना चाहे तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो 1/2, व्हाट इज बेस 3, व्हाट इज हाइट 4, काट दो भाई से आ रहा है 6, जो भी यूनिट्स होंगी स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। अब सर आपने कहा है कि इसी कर्व के अंडर का एरिया आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो इसी चीज को यूज करते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हम एक स्ट्रिप मानेंगे, ये मान लिया स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप का हम निकालने जा रहे हैं एरिया। तो बताइए भाई ये कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसे मानोगे डीएक्स और ये हो जाएगा वाई, तो फॉर्मूला क्या लगेगा वाई इंटू डीएक्स। अब क्या करने वाले हो आप, आपको चाहिए अब लिमिट, आप खुद बताइए ये स्ट्रिप सबसे पहले कहां हो सकती थी, यहां से स्टार्ट हो सकता था ट्रायंगल, तो ये सबसे पहले होती और यहां पे सबसे बाद में होती, तो बताइए यहां पर स्ट्रिप होती तो एक्स की वैल्यू क्या होती 0, और स्ट्रिप यदि यहां पर होती तो एक्स की वैल्यू क्या होती 3। ये हमारे पास आ गया 0 to 3, आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन y क्या चाहिए आपको, y निकालना पड़ेगा। देखो y ये वो फंक्शन था या जो कर्व जो आपने बनाया ना, उस कर्व की वैल्यू से आपको y निकालना है, तो यहां से y निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 3y = 12 - 4x, और y = 12 - 4x / 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो भाई इंटीग्रेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 12 - 4x / 3 dx और 0 to 3, तो भाई 1/3 बाहर ले आइए 12 dx, तो कितना आएगा 12x - 4x / 4x² / 2, क्योंकि x की आर 1 है, पावर एक ऐड होती है और डिवाइड में उतना ही आ जाएगा, 0 to 3 हमारे पास आ गया, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2x², तो 1/3 12x - 2x² 0 to 3। अब इसके लिए आपको एक चीज और आनी चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, बस इसके अलावा और किसी चीज की नीड नहीं है। अब वैल्यू कैसे पुट करते हैं आपको पता होगा, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं माइनस, फिर नीचे वाली, तो आइए देखते हैं 1/3 12 × x, सबसे पहले ऊपर वाली, तो 3 - 2 × 3² फिर साथ में माइनस, फिर नीचे वाली x की जगह 0, यहां पर भी 0, तो 0 आ गया, तो 1/3 12 × 3 36 - 3 × 9 = 18, तो 36 - 18 18 18/3 6 आ रहा है। तो या तो आपने इंटीग्रल के थ्रू निकाला या फिर आप देख रहे हो इसके थ्रू निकाल लो, तो दोनों के थ्रू के आपके पास एरिया क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है भाई। एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, तो ये तो चलो लाइन थी तो आपने बेसिकली देख लिया, अब दूसरी चीज ये है कि आपको कुछ कर्व भी पता होने चाहिए, वो क्या क्या थे। जैसे आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में हमने 4 कर्व्स के बारे में पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट, एक सर्कल था हमारे पास, एक पैराबोला था, एक इलिप्स था और एक हाइपरबोला था। तो यहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है पैराबोला, तो आइए पहले थोड़ा सा वो समझ लेते हैं,
ये हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, हालांकि पढ़ने वाला चैप्टर तो आधे घंटे का ही है, जिसको ये बेसिक्स पता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो पैराबोला था वो था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। भाई देखो रटने वाली बात ये है, जब भी कभी y स्क्वायर होगा तो पैराबोला x एक्सिस पर बनेगा, ये बच्चे इस तरीके से याद रखते हैं। यदि वैसे लॉजिक ढूंढा जाए, यदि आप a की जगह 1 मान लो, x की जगह 1 मान लो, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर आएगा 4। तो y की वैल्यू जो आएगी y की प्लस माइनस 2, ठीक है ना। तो y की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस 2 कब, जब x हमारा 1 था। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, 2 और -1, 2। नहीं समझे, मैंने ये बोला है a की वैल्यू को मान लीजिए 1 और x को भी मान लीजिए 1। तो x और a को जब 1 मानोगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा और y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 2 और -1, 2 एंड 1, -2। तो दो वैल्यूज आपके पास सर्कल आ चुके हैं, ठीक है भाई। अब इन दोनों को आप शो करो, जैसे आप एक अपना खुद x एक्सिस y एक्सिस बनाइए, 1, 2। जब आपका x 1 है तो y कितना है, 2, और जब आप x का 1 है तो ये y कितना है, -2। अब आपको पता है पैराबोला की शेप तो ऐसे ही होती है, तो आप क्या करो, इन दोनों को मिला दो, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अलोंग x एक्सिस बनने वाला है। और यदि आपको याद रखना है तो बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं, यदि y स्क्वायर है तो अलोंग x एक्सिस होगा और x स्क्वायर है तो अलोंग y एक्सिस, जैसे आप ये देख रहे होंगे एग्जाम्पल, आप ऐसे देख सकते हो। दूसरा हमारा था x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब आप इसे बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे u बनता है। हालांकि आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसके अंदर भी आपने सारी क्वेश्चंस पढ़ी हुई है। अब इस पैराबोला के एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर हमारे पास ही फोकस आता है, ठीक है। इस फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन पास होती है इससे, और जब वो लाइन पास होती है उसको हम लैटस रेक्टम बोलते थे हमेशा। जिस साइड वो पैराबोला ओपन होगा उस एक्सिस पर ये पॉइंट होगा जिसे हम फोकस बोलते हैं, और फोकस के हमेशा पॉइंट रहते हैं a, 0। जितना डिस्टेंस इसका इधर रहता है उतना ही इधर डिस्टेंस कर दो, और वहां से जो वो लाइन पास होती है उसको आप बोलते हो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। काफी बार ना वो क्वेश्चन में इंग्लिश यूज कर देता है, जहां पे लेटर रेक्टम बोल देगा, डायरेक्ट्रिक्स बोल देगा। अब वो ये नहीं बता रहा कि वहां पे वो बोल रहा है लेटर रेक्टम तक का एरिया फाइंड करो पैराबोला में, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां से कहां तक करना है और वो पॉइंट क्या रहेगा। तो आप बेसिकली यहां से पहले ए निकालना और वहां वैल्यू पुट कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x हो गया, ठीक है। एक काम तो ये कर सकते हो, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4ax, तो क्या लिख लो, 4ax इज इक्वल टू 16x। भाई x से x कट गया, 4 से काटोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। तो a आप डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी भी एग्जांपल में, a निकाल लेना और यहां से लेके यहां तक का एरिया फाइंड कर लेंगे। पहला एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, टेंशन मत लो भाई इसकी, ठीक है भाई। यहां पे पैराबोला इधर था तो इस एक्सिस पर आएगा, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, a। इससे जो लाइन पास होने वाली है वो क्या होगी भाई, उसको भी हम लेटर रेक्टम बोलेंगे। इसके उतने ही डिस्टेंस पे इधर से एक लाइन पास होगी तो उसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोल देंगे, सिंपल चीज, ठीक है भाई। ये तो हमारा पैराबोला रहा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर एक पैराबोला हमारे पास होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax करके। तो -4ax के लिए सेम पैराबोला इधर होगा लेकिन इसका मुंह इधर हो जाएगा, जैसे ये। जिसको भाई नहीं पता है ये बना जरूर लेना, आप सोच रहे हो कि सर अभी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं पर आगे यूज होने वाला है। तो एक पैराबोला आपके पास ये वाला रहेगा -4ax और ये वाला 4ax। यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यदि आप माइनस ले लोगे तो इसकी शेप जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। ये आपके पास चार डिफरेंट केसेस हैं पैराबोला। तो आइए भाई अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, लिखिए भाई, ये कह रखा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो भाई एक हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4
एक्स एंड इट्स लैटस रेक्टम। तो पैराबोला और लैटस रेक्टम के बीच का आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो आप ये पैराबोला बनाओगे, आप ये बन गया। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो ये भाई ये हमारा रहा होगा लैटस रेक्टम, ये रहा। तो बेसिकली आपको ये वाला पूरा एरिया निकालना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा जब कभी भी आप, अब देखो पहले क्या लोगे, एक स्ट्रिप मानोगे भाई। देखो जिसको दिक्कत होती है निकालने के लिए वो स्ट्रिप मान लिया करो। ये एक्स एक्सिस पर है तो ये डी एक्स होगा, और ये वाई है तो होगा वाई इंटू डी एक्स। ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना एक्स इंटू डी वाई मत कर देना, फिर आंसर कुछ ही निकल रहा होगा। तो वाई डी एक्स निकाल लिया आपने, फिर बताइए यूनिट क्या होगी भाई। ये स्ट्रिप सबसे पहले यहां हो सकती थी, तो यहां होती तो एक्स की वैल्यू क्या होती, जीरो, और ये वाला पॉइंट है एक कोमा जीरो। और यदि स्ट्रिप यहां पर होती तो क्या होता, तो जीरो टू ए आपके पास एक ये एरिया आ रहा है। लेकिन आपको पता है जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं इस टाइप से तो एक्स एक्सिस से ऊपर का आता है, तो हमें तो नीचे का भी निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है ये पैराबोला ऊपर और नीचे सिमेट्री होता है, तो क्या कर दो मल्टीप्लाई बाय टू कर दो। जब आप टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का एरिया फाइंड आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या है भाई, अंडर रूट फोर ए एक्स। तो आइए भाई वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट फोर ए एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए और साथ में है डी एक्स। तो भाई अंडर रूट फोर का बाहर आएगा तो टू आ जाएगा, यहां पे ऑलरेडी टू था, इसका टू और आ जाएगा, अंडर रूट ए भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, इसे निकालिए बाहर, टू और टू ऑलरेडी है तो कितना आएगा फोर रूट ए जीरो टू ए अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसे क्या लिख सकते हो भाई, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाय टू, ठीक है भाई। तो फोर अंडर रूट ए एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन, वन बाय टू प्लस वन और जीरो टू ए। यहां तक बात समझ में आ गई, वन बाय टू प्लस वन क्या होगा थ्री बाय टू, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो एट बाय थ्री रूट ए एक्स की पावर थ्री बाय टू जीरो टू ए आ गया आपके पास, हाँ या ना। ये वाली चीज समझ में आ गई ना। अब आपके पास क्या है, वैल्यू पुट कर दो भाई, पहले ऊपर वाले की एक्स की जगह भरो तो कितना आएगा एट बाय थ्री रूट ए ए की पावर थ्री बाय टू माइनस जीरो। अच्छा ए की पावर थ्री बाय टू का मतलब क्या है, ए की पावर थ्री बाय टू का मतलब है वन बाय टू इंटू वन। भाई जब बेस सेम होता है तो पावर एड हो जाती है ना, तो बेसिकली यही मीनिंग है। तो क्या लिख सकते हो इसे, एट बाय थ्री रूट ए तो ऑलरेडी था, इसे कह सकते हो ए की पावर वन बाय टू मतलब रूट ए इंटू ए, रूट ए इंटू रूट ए ए ए इंटू ए, तो याद आएगा एट बाय थ्री ए स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ पैराबोला, कहां तक भाई लैटस रेक्टम तक। तो एट बाय थ्री स्क्वायर यूनिट करके आप इसका एरिया लिख सकते हो, वो भी लिख देना भाई स्क्वायर यूनिट्स, यदि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक एग्जैक्ट आंसर लाते हैं, इसी तरीके से क्या पैराबोला लेते हैं, पर वो पैराबोला का हमारे पास दिया जाएगा, आप खुद निकालना उसको और उसका आंसर कमेंट्स में लिख देना। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेम ले रहे हैं एज इट इज, मैं हिंट भी देता हूं आपको, जो पैराबोला की क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्स, ये है जो क्वेश्चन नंबर टू कर रहा है, वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्स। यहां पे सबसे पहले क्या करोगे भाई, आप लैटस रेक्टम के लिए फोकस के लिए पॉइंट निकालोगे, तो वो कितना होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स भी होता है, बराबर पुट कर दोगे फोर ए एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन एक्स, फाइंड कर लोगे ए की वैल्यू हमारे पास फोर आ रही होगी। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कहां से करोगे जीरो टू फोर, और क्या लोगे अंडर रूट ले लोगे ना इसका, तो अंडर रूट कितना आएगा अंडर रूट सिक्सटीन एक्स डी एक्स, फोर बाहर निकाल लो, डबल निकालना होगा तो डबल कर देना उसे। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आप बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं।
ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जो पैराबोला है वो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, वो पैराबोला आपको बनाना पड़ेगा। लिखिए भाई क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस और y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले तो ये पैराबोला बनने वाला है, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में बनने वाला है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो भाई ये देखो, इसमें स्क्वायर किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जो आपका पैराबोला बनेगा वो अलोंग वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे बनेगा तो एक्स एक्सिस वो कट कर रहा होगा, और आप सभी को पता है जब कभी भी कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो आप ये चेक कर लीजिए ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा होगा। तो वाई की वैल्यू क्या डाल दो, जीरो डाल दो, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा टू माइनस एक्स। तो एक बार तो एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है और एक बार एक्स की वैल्यू टू आ रही है, तो एक तो वैल्यू रही ये, एक वैल्यू रही ये। तो ये एक तो जीरो कॉमा जीरो कट करते हुए जा रहा है और ये वाला हमारे पास टू कॉमा जीरो कट करते हुए जा रहा है। तो अभी क्या होगा, ये आपका पैराबोला ऐसे आ गया है, ऐसे आएगा। नहीं भाई, पैराबोला तो ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है, दोनों तरफ बन सकता है, इधर भी और इधर भी। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते थे, लिखोगे y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ गया। तो ये करते थे, जो x का कोफिशियंट होगा उसे हम 2 से डिवाइड करते थे, उसका स्क्वायर हम ऐड करते थे और सबट्रैक्ट करते थे, तो कितना आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1। तो एक फॉर्मूला बन गया भाई, ये y इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, और बाहर ये है, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आप ये देख रहे हो, मैंने आपको बताया था यदि आपके पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनता है, और यदि y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनता है। तो पैराबोला कौन सा बनना चाहिए, ये वाला, क्योंकि इस वाले के लिए यहां पे क्या आना चाहिए था, यदि यहां पर ये पॉजिटिव होता तो ये वाला पैराबोला नहीं बनता। बात समझ में आई नहीं आई, यदि इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और क्वेश्चन बन जाए कुछ ऐसा, y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदि ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी होता तो पैराबोला ये वाला बन जाता। भाई देखो, दोबारा मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके था, तो ये हमारे पास पहली चीज तो पैराबोलिक कर्व है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला। दूसरी चीज, आप में तो बहुत बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जब एरिया निकाल लेंगे वो उनका मैच कर जाएगा, वो कह रहे सर इसकी जरूरत ही नहीं, जो इतना आप ड्रामा करवा रहे हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर्व का जो एरिया निकाल रहे हो वो है कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला। अब यदि बाय चांस आपने सीबीएसई में कर्व बना दिया, आंसर आपका मैच कर गया, लेकिन कर्व आपने बना रखा था ये वाला और आंसर निकलना था उससे, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स काटेगा। अब यदि जनरली बात की जाए तो टीचर को पूरे काटने चाहिए, क्योंकि बच्चे का कंसेप्ट ही बिल्कुल तरीके से क्लियर नहीं है, तो उसे ये नहीं पता पैराबोला कौन सा ले रहा है वो, तो उसे थोड़ा सा इसे ध्यान रखना कि पैराबोला बनने कौन सा वाला है। तो पैराबोला बनने वाला है ये वाला, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे इसके लिए, हालांकि आपने एक चीज और भी पढ़ी थी क्लास 10th की, आप बुक उठाओगे तो वहां पे आप देख लेना, उसमें एक चीज हुआ करती थी
वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू यदि ए से कम होगी तो नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, इस टाइप। ये थोड़ा होमवर्क आपके लिए, आप सर्च करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ से आप क्लास 11 वाले कंसेप्ट से भी देख सकते हो, ठीक है भाई। चलिए तो क्या करना है आपको, मतलब एक वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है, और स्ट्रिप को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे भाई, ये हमारा 0 से 0 तक था और ये वाला पॉइंट 2,0 था। तो मतलब जो हमें इंटीग्रेट करना है वो करना है 0 to 2 और कर्व हमें क्या चाहिए होता है, वाई डी एक्स चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी है, 0 to 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे तो 2x² / 2 माइनस x³/3 0 to 2 2 से 2 कट रहा है भाई, वैल्यू पुट करा दो इसमें। तो वैल्यू पुट कराओगे तो क्या आएगा, 2² - 2³ - 3 और माइनस 0 होने वाला है क्योंकि नीचे तो 0 ही है। तो 2² कितना आ गया, 4 - 8/3। तो करोगे तो 4 3 = 12 - 8/3 दैट मीन्स 4/3 square unit। यही आपके पास आंसर आ रहा है। तो बेसिकली आपको यहां से इस क्वेश्चन से देखो कहानी समझो, जहां से हमने वीडियो स्टार्ट करी वहां से हमने पहले तो ये समझा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल होता क्या है, उसका यूज कहां करते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ा कि इस चैप्टर को करने के लिए हमारा बेसिक्स क्या होना चाहिए, तो 7.12 आनी चाहिए। देखिए आपको 7.1 ही यूज हो रही है, पावर ऐड करो डिवाइड कर दो। दूसरी चीज आपको 7.7 आनी चाहिए, वो जब हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको सर्कल या इलिप्स तो उसमें ये वाली चीज कवर हो जाएगी। तीसरी चीज हमने आगे फिर देखा कि हम जो ए वाई यूज कर रहे हैं वो कर्व के अंडर एरिया निकालने के लिए यूज कर रहे थे। हमने एक ट्रायंगल के एग्जांपल से वो समझा कि यदि आप एक 9th क्लास के बच्चे को देख लो या 12th क्लास के बच्चे को देख लो, सिर्फ क्या होता है, एरिया निकालने का तरीका बदल जाता है। तो वो चीज आपने देखी थी। उसके बाद आपने सबसे पहला पढ़ा पैराबोला, पैराबोला से रिलेटेड आपने क्वेश्चन करा था जनरल y² = 4x है, तो वहां आपने निकाला। फिर आपको मैंने एक 16x करके क्वेश्चन दिया आपको। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो पैराबोला का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। यदि पैराबोला का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, फिर आपको और लगेगा हाँ भाई लेवल और बढ़ रहा है। क्योंकि यहां पे तो आपने क्या किया है, वर्टिकल एक्सिस ली है ना। तो एक एग्जांपल और लिख लीजिए जिससे एटलीस्ट पैराबोला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। यदि मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में कहां कहां कैसा कैसा कुछ कुछ दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में भाई एक तो क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर थ्री पैराबोला के ऊपर ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास जब आप आओगे 8.1 में तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वो दोनों ही हमारे पास पैराबोला के क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन आपके पास पैराबोला के हैं। और थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ा दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, और एक पैराबोला का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल नंबर 11 करवाया था मैंने, जो सबसे पहला क्वेश्चन करवाया ना, पेज नंबर 372 आप ओपन करोगे एनसीईआरटी में। तो एग्जाम्पल नंबर 11 करवाया मैंने, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 4ax एंड बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम। तो वो आपने एज इट इज क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 11, तो वो भी आपका क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको समझ में आना चाहिए क्या है, y² = 2y - x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा करने वाले हैं, फोर्थ, और उसने बोला है एंड y एक्सिस, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो y जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब जो पैराबोला बनने वाला है वो ऑन द x एक्सिस बनने वाला है, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये है अब x एक्सिस में इधर मुंह करके बनेगा या फिर उधर मुंह करके बनेगा, वो हमें समझ में नहीं पता। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा आप देखिए, मतलब जब ये x एक्सिस पे बनेगा तो y एक्सिस को कट करेगा। अब देखो ये सेंटर से पास होने वाला तो है नहीं, या तो पैराबोला बनेगा ऐसा या फिर पैराबोला बनेगा ऐसा,
तो क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, सॉरी वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा। और आप सभी को पता है वाई एक्सिस पर जब वो कट करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो पुट करो पहले तो एक्स की वैल्यू क्या डाल दो, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो डालो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, इसे साइड ले आइए, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू, और एक वाई की वैल्यू आ गई है जीरो और एक वाई की वैल्यू आ गई है टू। आप में से कुछ समझदार बच्चे भी मिल सकते हैं जो एक वाई से एक वाई को काट देंगे और वाई की वैल्यू टू आ जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये आपके पास जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस दो आते हैं, ठीक है ना, और दो जीरोस आते हैं तो दो वैल्यूज निकालने वाले हो आप, ठीक है। आज की वीडियो में हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं सामने, तो ये जो आपको आवाज थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी या सुनने को, तो ये यही मजा रहे हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या करने वाले हो आप, इस x को इधर ले आइए, x इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब इसकी शक्ल देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एज इट इज लास्ट वाला है, सिर्फ क्या हो गया, वेरिएबल्स बदल गए। फिर आपको वही करना पड़ेगा भाई, माइनस बाहर ले लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन माइनस वन, और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वन। फिर से आप देख रहे होगे यहां पे क्या आ रहा है, ये माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होता था इस साइड के लिए, सॉरी एक्स ये था, इसको इधर ले आइए तो ये माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स होता था, तो आपके पास क्या आता था, ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। और यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स होगा, मतलब जो x का कोफिशियंट है वो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और यहां पे क्या है, माइनस नहीं है, तो ये अलॉन्ग कहां पर है, माइनस x एक्सिस की तरफ। और आपको यही पता लग गया है कि जो एक कर्व है वो दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो जीरो पे और एक टू पे, तो मतलब कि उसकी जो शक्ल है वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इस टाइप की जब शक्ल है तो अलोंग एक्स एक्सिस तो आप मानोगे नहीं, वर्टिकल स्टेप तो लोगे नहीं, तो यहां पर आप स्टेप लेने वाले हो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्टेप ले लो, हॉरिजॉन्टल स्टेप ले रहे हो तो ये क्या होगा भाई, डी वाई, और ये क्या होगा, एक्स। तो क्या आने वाला है, एक्स डी वाई जीरो टू टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई जीरो टू टू। और इसका आंसर आप कमेंट से बताइए क्या आ रहा है। वैसे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा, जब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है सिर्फ एक्सिस बदली है, तो जो लास्ट वाले का आंसर है वही आंसर इसका भी आना चाहिए, फोर बाय थ्री ही इसका भी आंसर रहेगा, ठीक है भाई। तो पैराबोला के साथ में ही थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो पैराबोला के बेस्ड पर है ना, तो थोड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं कहां कहां पर क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में डायग्राम बना देता हूं, फर्स्ट सेकंड का भी, और आपको लिमिट भी लिख देता हूं, तो ऐसा भी होगा आपको ट्राई भी करोगे तो कर पाओगे, ठीक है ना। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ भाई जो सर ने बताए हैं वो एनसीईआरटी से कितने मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैराबोला के लिए, ये बता रहा है वाई स्क्वायर एनसीईआरटी का आरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और लाइंस दे रखी हैं आपको x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4, और ये कहा गया है ये जो कर्व आपके पास है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आप मान रहे हो बस, ठीक है। तो y स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, ये जो पैराबोला बनने वाला है वो बनने वाला है x एक्सिस पे इधर। आप ना चेक भी कर सकते हो कि ये पैराबोला ओरिजिन से पास होने वाला है या कोई और भी है, देख लो x के वैल्यू जीरो डालो तो भाई भी क्या आ रहा होगा, जीरो, तो मतलब ये वाला पैराबोला जीरो कॉमा जीरो से तो पास हो ही रहा है भाई, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया ये, समझ जाना भाई। दूसरी बात फिर कह रहा है दो लाइन है x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 4, तो ये मतलब x के वैल्यू यहां पर 1 होगी, यहां 2, यहां 3, यहां 4, तो 1 से लेके एक लाइन पास हो रही है x इज इक्वल टू 1, मतलब ये रहा,
ठीक है, और y इज इक्वल्स टू x इक्वल टू 4 से मतलब ये लाइन। तो मतलब जो आपको जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर वाला ही निकालना है या सिर्फ नीचे वाला भी निकालना है? उसने इंग्लिश में लिख रखा है एक लाइन, क्या रखा है, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसने साफ साफ मना कर दिया, भैया नीचे मत जाना, नीचे वाली एंटी जो है वो सही नहीं है, वो पुलिस बुला सकती है यदि आपने ज्यादा गाने वाने बजाए तो, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास क्या है, x की वैल्यू कहां से है भाई, ये x की वैल्यू 1 है और यहां पे x की वैल्यू 4 है। तो फिर से भाई चीज वर्टिकल स्ट्रिप मानी होगी, तो स्ट्रिप वर्टिकल है तो y dx लिया होगा, और कहां से कहां तक है भाई जल्दी बताइए, 1 से लेके 4 तक। तो ये आपका हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, y की वैल्यू निकाल लोगे, अंडर रूट x आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लेना आंसर आ जाएगा, कोई डाउट हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x। फिर से वही चीज आ गई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ जो ये जो लाइन ले रखी है इन्होंने, लाइन दो अलग अलग ले ली है, यहां पर x की वैल्यू 2 था और यहां पे x की वैल्यू 4। तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो यहां पे क्या लोगे, y dx और x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 4 तक, सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेट तो करना आप जानते ही होंगे, ये आप कर लेना। फिर 8.1 के पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कर्व बदल गया है, अभी तक जो आपने कर्व देखी वो दोनों एक्स एक्सिस पर थे, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया, जो कर्व दिया है वो वाई एक्सिस पर दे दिया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बदला इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ गया आपके पास, कर्व ऑन द वाई एक्सिस, कर्व दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है आपके पास, और इसने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो आपके पास कर्व क्या आ गया है, ये वाला, तो y इज इक्वल टू 2 मतलब ये रही होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहां पे आपके पास आ गया है y इज इक्वल टू 2, और जो यहां से पास कर रहे होगे तो y इज इक्वल टू 4। तो क्या लेना है आपको, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेनी है, तो यहां पे आ जाएगा dx और ये क्या है y, तो जो इंटीग्रेट आपके पास होगा, सॉरी ये dy है क्योंकि ऑन द y एक्सिस है, और ये कहां पर है, डिस्टेंस x के लिए, तो आपको आ जाएगा x इंटू dy और क्या लोगे 2 2 4। सेम क्वेश्चन आपके पास लास्ट में जब भी आपने किया था वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपके पास x एक्सिस की जगह y एक्सिस पर दिया हुआ है।